और अब बात हनुमान जन्मोत्सव की। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर आज त्रिग्रही योग में हनुमान जन्मोत्सव का उल्लास नजर आ रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हनुमान जी महाराज का जन्माभिषेक किया गया। वहीं मंदिरों में सुबह से ही सुंदर कांड पाठ हनुमान चालीसा के पाठ शुरू हुए। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई। आज दिन भर मंदिरों में सुंदर कांड पाठ, भजन संध्या और महाआरती का आयोजन होंगे। वहां मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई जा रही है। चांदी की टकसाल स्थित ठिकाना मंदिर श्री काले हनुमान जी में हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इससे पहले बुधवार मध्यरात्रि में हनुमान जी महाराज का सहस्त्रधाराभिषेक के साथ जन्माभिषेक किया गया। महंत गोपाल दास के सानिध्य में हनुमान जी महाराज का पंचामृत के साथ ऋतु फलों के रस से अभिषेक किया गया। इस मौके पर रात्रि में हवन हुआ। मंदिर में युवाचार्य पंडित योगेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सुबह 11 बजे सामूहिक संगीत में सुंदरकांड के पाठ के बाद शाम को 7 बजे विशेष झांकी के दर्शन होंगे। हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इस मौके पर भजन संध्या और महाआरती भी होगी। खोले के हनुमान जी मंदिर में सुबह हनुमान जी महाराज का 108 औषधीय द्रव्यों व विभिन्न तीर्थों के जल से मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक कराया गया। इसके बाद पोषपोचार पूजन हुआ। हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। चांदपोल हनुमान मंदिर में पंचामृत अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। जन्म आरती के बाद दर्शन खुले। इसके साथ ही मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सांगनेरी गेट स्थित पूर्व मुखी हनुमान जी मंदिर में पंचामृत अभिषेक के बाद 1.25 किलो सिंदूर का चूल्हा चढ़ाया गया। हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल रात्रि में हनुमान जी महाराज का विग्रह का विभिन्न इत्र रस औषधियों के द्वारा अभिषेक किया गया। आज दिन में सुंदरकांड 11 बजे से शाम में हनुमान जी महाराज के यहाँ भजन संध्या, 56 भोग की झांकी, महाआरती, इन सब चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर जी के यहाँ पे राजस्थान ही नहीं बल्कि प्रदेश देश सब जगह से हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए लोग बाग आ रहे हैं।